कर्टन्स लग रहे हैं भाई। अब तुमने कुछ शरारत की ना, तो ये वाली जो ड्रिल है ना, ये लड़की है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज उम्मीद है कि हमारे पर्दे लग जाएंगे। ये चादरें देख देख के मैं भी तंग आ गया हूँ, आप लोग भी तंग आ गए होंगे इसको देख देख के। तो आज उम्मीद है कि पर्दे लग जाएंगे। अभी थोड़ी देर में पर्दे फिटिंग करने वाले आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रॉड्स वगैरह नहीं लगे हुए, इधर रॉड्स लगने हैं, फिर रॉड्स के ऊपर पर्दे लगेंगे। अगर यहाँ पे रॉड शॉट लगे होते ना, तो फिर इतना मुश्किल नहीं होना था। तो वो मुझे कह रहे थे कि हम पहुँच जाते हैं, हम साइज़ ले लेते हैं, साइज़ लेके हम जाएंगे, और जाके अगर हमें उस वक्त तक रॉड मिल गए, क्योंकि अभी इशा का टाइम होने वाला है, तो हो सकता है कि वो जब साइज़ लेके जाएं तो उस वक्त उनको वहां से रॉड्स ना मिले। अगर तो रॉड्स मिल गए तो पर्दे लग जाएंगे, अगर रॉड्स ना मिले तो फिर पर्दे कल सुबह लगेंगे। हेलो बेटा, बाहर बैल हुई है, देखो कौन आया। मेरे ख्याल में पर्दे वाले आए होंगे, उनको मैंने बुलाया हुआ था। जल्दी से देख के आओ और मुझे बताओ कौन आया। चलो जाओ देख के आओ। चलो अच्छा कर लेना यार, देख के तो आओ ना बाहर। इसको मैंने भेजा बाहर, ये आपके जो भाई साहब हैं ये इतने स्लो क्यों हैं? हैं ये इस वजह से इतने स्लो है क्योंकि ये हरकत लेजी होते हैं। जाए आपको बुला रहे हैं। कौन बुला रहे हैं? पर्दे वाले आ गए। चलिए पर्दे वाले आ चुके हैं, मैं जरा जाके उनसे मिल लूं और पर्दे लगवा लूं। हैं पक्का आज पर्दे लग जाएंगे बेटा? वो कह रहे हैं 80% चांसेस है पर्दे लग जाएंगे, 20% चांसेस है पर्दे नहीं लगेंगे। ओके ये क्या बात? ये बात ये हुई कि वहाँ पे रॉड्स लगने हैं ना यार। 100% ये देखो ना, ये ऊपर रॉड्स नहीं ना लगे हुए बेटा, तो उन्होंने रॉड्स परचेज करने हैं। वो कह रहे हैं कि अगर शॉप्स खुली हुई तो हम रॉड्स परचेज करके ले आएंगे, अगर ना खुली हुई तो फिर हम सुबह लगाएंगे। ये क्या क्वेश्चन है, ये क्या बात हुई? हाँ भाई, वो किधर जा रहा है? पता नहीं क्या कर रहे हैं। टीवी छीन लिया क्या? टीवी का रिमोट छीन लिया है। आप दोनों की बस रिमोट पे लड़ाइयाँ होती हैं, कितनी बुरी बात है। हाँ। बहुत बुरी बात है, रिमोट पे नहीं लड़ते, सिर्फ रिमोट पे लड़ाई है। बस मैं कोशिश करता हूँ कि टीवी के ना तीन रिमोट ले, मुझे बातों में ना लगाओ, मैं जा रहा हूँ पर्दों वाले। टीवी के तीन रिमोट लेके आएंगे ना तो और लड़ाइयाँ होंगी। चलिए बस मैं फिर ये वाला रिमोट भी अलमारी में लॉक कर देता हूँ, ठीक है ना? ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। इसका कितना साइज है मुझे बताइएगा? 78 इंच। ठीक है, कर्टन्स लग रहे हैं भाई आज, उम्मीद तो है आज लग जाएंगे वरना कल लग जाएंगे। इसका क्या साइज है जी? 5 फुट। 5 फुट। ये तीसरी विंडो है जी, ये कितना? 73 इंच। ये है जी 4th 6 फुट। तो यार कर्टन्स वाले साइज लेके जा चुके हैं, और अनफॉर्चुनेटली उनका तकरीबन आधा घंटे बाद मुझे फोन आया कि सर चीजें नहीं मिल सकती क्योंकि शॉप्स बंद हो गई हैं। ये जो कर्टन्स वाली शॉप है ये जरा जल्दी बंद हो जाती हैं। इस साइड पे जहाँ पे हम पहले रहते थे वहाँ पे खुली रहती थी रात को 10-11 बजे तक, लेकिन इस साइड पे जरा शॉप्स जल्दी बंद हो जाती हैं। तो अब वो कह रहे थे जी हम सुबह आएंगे कोई 12 बजे या 2 बजे के दरमियान, सुबह इंशाल्लाह आपके कर्टन्स लग जाएंगे। तो कर्टन्स वाला काम तो हो गया खत्म, अभी आगे जाना है मैंने ऑफिस, ऑफिस से फिर आगे कहाँ जाना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। हाँ जी, तो गाइज ऑफिस पहुंच चुके हैं और यहाँ पे चिंकू मिंकू टिंकू पिंकू ये सारे मौजूद हैं। ये देखें, ये चिंकू है, वो पिंकू है, वो टिंकू है, ये डिंकू है, ठीक है जी। इसके अलावा लटकू मटकू झटकू ये सारे चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। ये देखें, ये लटकू मटकू झटकू शटकू पटकू सब कुछ हैं, ठीक है जी। तो अगर किसी को बकरा दुम्बा छतरा या बछड़ा चाहिए तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये देखें जी, लटकू मटकू झटकू यहाँ पे भी मौजूद है, देख सकते हैं आप, नजर आए ना आपको, ये बड़े तेज हैं, बहुत तेज हैं। 75 years later। हाँ जी, तो फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं, और इस वक्त पता क्या टाइम हो रहा है? इस टाइम सुबह का टाइम हो रहा है। आपको रात शात लग रही होगी लेकिन सुबह के कुछ तकरीबन 4:15 हो रहे हैं, और यहाँ पे डेजी खाना खा रही है। बिल्कुल अंधेरा हुआ हुआ है यार, बच्चों ने लाइट्स ऑफ की हुई है, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होगा। डेजी इज ईटिंग हर फूड। मानो बिल्ली कैची हो, इतनी पारी पारी लग रही हो आप। छोटे छोटे किटन जाएंगे, इतने पारू पारू गोले गोले किटन जाएंगे माशाल्लाह डेजी के, और वो इतने प्यारे लगते हैं ना। मैं जब छोटा था तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बिल्लियाँ थी, तो वो किटन्स इतने प्यारे प्यारे लगते थे, जैसे वो होते हैं ना ऊन के गोले उस तरह के लगते थे। हो मुस्तफ़ा,
मैं आया हूँ और सुबह सुबह पिज्जा चल रहा है, आपको पता है सुबह के 4 बज रहे हैं, 4:15 हैं, इतने सुबह पिज्जा खा रहे हैं आप लोग, फजर का टाइम, शेम ऑन यू गाइस। बेटा मैंने आपको बैन कर देना है आप लोगों को। कमरे में देखते हैं कि क्या चल रहा है। छापा पै गया जे ओए भाई साहब, सुबह सुबह पिज्जा चल रहे हैं आते साथ ही, तुझे पता है सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के टाइम तू पिज्जा खा रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? हैं, एक तो पाकिस्तान हार गया, ऊपर से तू पिज्जा खा रहा है यार, तू अय्याशी कर रहा है यार, हैं? लेकिन कोई मसला नहीं, बाप ने बाप से हारे वो भी हमारी कंट्री है यार, हमारी अपनी कंट्री है यार, हैं? कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं। माइलो क्या कर रहा है, बड़ी एक्टिंग कर रहा है भाई। हेलो माइलो, व्हाई आर यू एक्टिंग सो बैडली? नीनी आ रही है, लाइट में इसकी आंखें चमकती हैं। बेटा 4:15 हो रहे हैं सुबह के। इधर वाला बच्चा क्या कर रहा है, ये बच्चा क्या कर रहा है, व्हाट आर यू डूइंग? बताइए, आपने खाया पिज्जा? क्यों यार, आपने क्यों नहीं खाया पिज्जा? मेरा दिल नहीं कर रहा है। कल आपकी अपॉइंटमेंट है डेंटिस्ट के पास 12 बजे की, दोपहर 12 बजे की आपकी अपॉइंटमेंट है। गुड न्यूज। देखो भाई, हम मेहरू का एसी चलाएंगे, मेहरू के एसी में जाएंगे। दोपहर में नहीं जाना, दोपहर में नहीं जाना, ये लड़की है। यार ये मुस्तफा ने क्या किया, दोपहर में नहीं जाना यार। तो फिर किस टाइम जाना है इनको? मतलब 5-6 o'clock का टाइम चाहिए कि ये। हाँ जी, 4 या 4 बजे का, 6 बजे। इनकी ब्राइट सी स्किन को, इनकी ब्राइट सी स्किन डैमेज ना हो जाए। क्या ब्राइट स्किन डैमेज ना हो जाए? जैसे वो लगाता नहीं है ये पॉन्ड्स का ब्राइट ब्यूटी। Oh my God. तो फेस वॉश है ना। हाँ, तो यार अपनी स्किन केयर करनी चाहिए। लड़कियों का है वो, लड़कियों का। यार देखो मेरी बात सुनो, वो अगर स्किन केयर करते तो तुम्हें क्या मसला है? स्किन केयर आप लड़कियों के प्रोडक्ट से करते हो, लड़कों के भी होते हैं। लड़कों का प्रोडक्ट है यार वो, फेस वॉश है। फेस वॉश है लड़कों का प्रोडक्ट है। क्या स्किन केयर, फेस वॉश है यार एक। हाँ यार सिर्फ फेस वॉश है। हाँ, फेस वॉश करना तुम लोगों को मसला क्या है? मुस्तफा आप भी तो करते रहे हो फेस वॉश। मुझे बताओ, मैंने तो जिंदगी में बताओ जरा। हाँ मुस्तफा ने नहीं किया, इसने किया हुआ। मुझे बताया फेशियल में क्या क्या होता है? क्या फेशियल, अजीब बकवास घटिया लोग। क्या होता है भाई फेशियल में बताएं? इन्होंने कभी ऐसी चीजें लगाई ही नहीं है ना। एक फेस वॉश है वो मैं लगा देता हूँ, कहते फेशियल करते हो, क्या बकवास। फेस वॉश यार इनडायरेक्टली उसने आप लोगों को पेंडू कह दिया बेसिकली, कि आप लोगों को पता ही नहीं है कि ये होता क्या है। मुझे पता क्या होता है। क्या होता है? एक से और भी चीजें यूज करते हैं, एक नहीं करते हुई और क्या चीजें यूज करते हैं। फेस वॉश है, इन्होंने वो भी मंगवाया है, वो आइस का इतना बड़ा गोला होता है, उसके अंदर रखते हैं, वो फ्रीज करते हैं, उसके अंदर पानी डालते हैं, फिर यहाँ पर कितने कितने नोजी लोग हैं आई। नोजी, नोजी क्या होता है? नोजी, व्हाट इज नोजी? नोजी लोग हैं, नोजी ये जो नोजी निकलती है यहाँ से है। नोजी, नोजी क्या कह रहा है यार, ये नोजी कौन कौन होता है? नोजी ये वाली नोजी ना, जीजू भी कहते हैं इसको। नहीं, जीजू नहीं, नोजी लोग हैं। मतलब क्या हर चीज में घुसते हैं? हाँ जी। यार क्यों उसकी हर चीज में घुसते हो यार आप लोग? वो देखिए ना कि वो ऑर्डर दे रहा है, ग्राफ उसको है यार पानी। यार मैं बताऊं क्यों घुसते हैं? वेले और कोई काम नहीं है, यही करेंगे। वेले लोगों का काम है नोजी होना, नोजी निकाल के फिर उसको खाना, नोजी निकाल के जो तुम खाते हो ना। से भी खाती है नोजी, कभी कभार बंदा खा ही लेता है यार। वो लोग क्या कहते हैं, बर्गर क्या कहते हैं, कभी कभी खा लेते हो नोजी। तो यार रात को हम बहुत ज्यादा थक गए थे तो सो गए, अभी पर्दों वाले आ चुके हैं और रॉड्स लगाना शुरू कर दी हैं उन लोगों ने। राफे साहब मेरे साथ खड़े हैं, अभी इनको कहने के भाई अपने कमरों के पर्दे जल्दी जल्दी चूज कर लो। पर्दों वाले आ चुके हैं, ठीक है, चूज करके आए ऊपर से, उसको अलहदा कर लो, और जो नीचे लगाने हैं ना उन पर्दों को, वो व्हाइट वाले आ जाएंगे। देखो व्हाइट और गोल्ड वाला नीचे आ जाएगा, व्हाइट और गोल्ड वाला आ सकता है, और डार्क ब्राउन वाला आ सकता है जो सोफों के साथ मैच कर सकता है। नहीं वो नहीं अच्छा लगेगा, सोफों के साथ ही मैच करेगा। अच्छा तो फिर व्हाइट वाला नीचे ले आते हैं, ठीक है जी। जो जो पर्दे जिस जिस कमरे में लगने हैं ना वो आप नीचे ले आए, सिटिंग वाले पर्दे सिटिंग में रख दें। आप अपने कमरे के बताएं ना, वो फिर मेरे कमरे के।
तो चूज कर लेते हैं, ऊपर चलते हैं। ऊपर चलिए। तो हम आपको दिखाते हैं कि कर्टन वाले क्या कर रहे हैं। ये रॉड्स आ गए हैं, ये लगेंगे यहाँ पे। ये तीन रॉड्स हैं तीन कमरों के। उसके अलावा ये वाला जो रॉड है ये सिटिंग का रॉड है, अभी देखते हैं। अच्छा, रॉड जो है ना वो ज़रा आप पहले कर्टन का साइज़ देख लेना, कर्टन का साइज़ देख लें कि नीचे कितना उसकी लेंथ है कर्टन की। ये ना हो कि अगर आप रॉड लगा दें और कर्टन जो है वो ज़मीन पर लग रहा हो सारा। हाँ, मैं लेके आता हूँ। चल भाई बता, ये मेरा नीचे वाले का रंग, ये आपके कमरे के? हाँ, ये देखिए अलमारियाँ, देखे ना ये अलमारी का कलर। खैर जो ये वाला, हाँ ये वाला कलर, ये हमारी कलर है देखें। अच्छा ठीक हो गया। साथ आ जाएगा कैसा? तो बेड के साथ, बेड के साथ, बेड ब्राउन है मेरा। तो ये ठीक रहेंगे आपके कमरे में? बताए ना। और आप कह रहे हो कि नीचे वाले के लिए ये, हाँ, ये सिटिंग के लिए, सिटिंग के लिए ये। चलो फिर इसको ले जाते हैं नीचे। मेरे कमरे का बताए ना कौन से अच्छे लगते हैं। मेरे कमरे का बताए ना यार, आपके कमरे के ये ठीक है फिर। हाँ ये सही है। या फिर हम दोनों ये नीचे ले जाते हैं, देखते हैं कि नीचे सिटिंग के लिए क्या सूट। अब तुमने कुछ शरारत की ना, तो ये वाली जो ड्रिल है ना ये मैं तुम्हारे अंदर कर दूंगा। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बात है? ये ड्रिल देख लो ना, इससे तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। रॉड तो तीन है। रॉड चार है यार, एक वो पड़ा था यार, ये तीन है, वो एक वो है। क्या हुआ? माइलो डीजी का, ये माइलो डीजी का जो सिस्टम है ना इस टाइम वो फाइटर फ्लाइट में होंगे। तो यार रॉड शॉट लगना शुरू हो गए हैं और इसके बाद पर्दे शर्दे फिट होंगे। व्लॉग को मैं इधर ही एंड कर रहा हूँ, कल के व्लॉग में आपको दिखाऊंगा कि फाइनल लुक पर्दों की क्या होती है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज। तुम क्या पीछे से चेक ले जा रहे हो? चुस्से ना मारा करें आप व्लॉग में। ठीक है बेटे, चुस्से अब नहीं मारूंगा। आपकी बड़ी चुस्से इसलिए नहीं मारूंगा क्योंकि व्लॉग में मेरे ऑलरेडी इतनी बड़ी चुस्स होती है कि चुस्से मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मिला हो जाएगी।